प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू योजना अंतर्गत जनपद स्तरीय जागरूकता गोष्ठी का आयोजन सर्किट हाउस स्थित एनेक्सी भवन के सभागार में किया गया। गोष्ठी में बतौर मुख्य अतिथि खजनी के विधायक संत प्रसाद, मुख्य विकास अधिकारी इंद्रजीत सिंह, संयुक्त कृषि निदेशक हरेंद्र उपाध्याय, उप कृषि निदेशक संजय सिंह, जिला कृषि अधिकारी अरविंद चौधरी सहित संबंधित अधिकारी और प्रगतिशील किसान मौजूद रहे। गोष्ठी में के मुख्य अतिथि खजनी के विधायक संत प्रसाद ने कहा कि खेतों में फसल का अवशेष कदापि न जलाएं, इसके जलाने से वातावरण प्रदूषित, मिट्टी के पोषक तत्वों की अत्यधिक क्षति एवं मिट्टी के भौतिक स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। फसल अवशेष जलाने से मृदा ताप में बढ़ोतरी होती है, जिसके कारण वातावरण पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। फसल अवशेषों के लाभदायक मित्र कीट जलकर मर जाते हैं, जिसके कारण वातावरण पर भी विपरीत प्रभाव पड़ता है। पशुओं के चारे की व्यवस्था में कमी आती है तथा आबादी में अग्निकांड होने की संभावना बनी रहती है। उन्होंने कहा कि हम सब आत्मनिर्भर एवं स्वावलंबी बने तभी स्वस्थ रह पाएंगे। किसानों को फसल अवशेष प्रबंध मशीनरी खरीदने हेतु 50% तक अनुदान उपलब्ध है। गोष्ठी में प्रभारी जिलाधिकारी इंद्रजीत सिंह ने कहा कि खेतों में फसल अवशेष कदापि ना जलाएं, अवशेष जलाने पर पकड़े जाने पर जुर्माने का प्रावधान है। कंबाइन हार्वेस्टर के साथ एक्स्ट्रा रीपर सुपर एक्स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम का प्रयोग अनिवार्य है, अन्यथा की स्थिति में सिविल दायित्व निर्धारित किया जाएगा। प्रभारी जिलाधिकारी ने कहा कि जो भी कार्य किए जाएं COVID-19 के प्रोटोकॉल का ध्यान में अवश्य रखा जाए, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क का प्रयोग अवश्य हो। गोष्ठी में जागरूक किसानों को प्रतियोगिता के माध्यम से पुरस्कृत भी किया गया। इस संबंध में गोरखपुरनी से बात करते हुए विधायक संत प्रसाद ने कहा, संबंध में जितने उपाय हो सकते हैं, चाहे वो करके या उसकी खाद बनाकर हमारे वैज्ञानिक बंधु अपनी वार्ता कर रहे थे अलग अलग विषयों पर, और अब मैं आपको कृषि विभाग की जो कार्ययोजना है इस दिशा में इस बारे में थोड़ा संक्षेप में बताऊंगा। इस योजना के तहत जो जागरूकता हम कर रहे हैं, उसके अतिरिक्त जितने भी हम फसल अवशेष के प्रबंधन के यंत्र हैं, जिसको मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू कहते हैं, यानी इंस्टीट्यूट का मतलब जो जहाँ पर जैसे स्थिति में है वहीं पे उसका इस ढंग से प्रबंधन कर दिया जाए, जिससे कि उसको ना कहीं ले जाना पड़े और ना उसको जलाना पड़े। तो जितने इससे संबंधित यंत्र हैं, चाहे वो सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम हो या एपी सीडर हो या सुपर सीडर हो या पैडी स्ट्रॉ चॉपर हो या पैडी कटर कम स्प्रेडर हो, सब मास्टर हो, मल्चर हो, हाइड्रोलिक रिवर्सिबल प्लाउ हो, रोटरी स्ट्रेचर हो, जितने भी यंत्र हैं इस पे 50% तक की छूट कृषि विभाग दे रहा है। इसके अतिरिक्त जो कृषक उत्पादन संगठन बने हैं उनके लिए अलग से प्रावधान है कि वो फार्म मशीनरी बैंक स्थापित करें। फार्म मशीनरी बैंक में 5 लाख तक के यंत्र में जो इंस्टीट्यूट प्रबंधन के से संबंधित है उस पर 80% छूट कृषि विभाग देता है, और 5 लाख से 15 लाख तक के अन्य यंत्र भी जिसमें ट्रैक्टर भी शामिल हो सकता है उस पर भी 80% ये अनुदान दिया जाता है। लेकिन ये केवल कृषक उत्पादक संगठन यानी FPO के लिए ही है। सामान्य कृषकों के लिए इंडिविजुअल यंत्रों में 50% छूट है। इसके अलावा इस साल 10 ग्राम पंचायतों को और जनपद में एक जो कार्यरत गन्ना समिति है उनको भी 5 लाख रुपये तक के यंत्र पर 80% की छूट दिया जा रहा है। 10 ग्राम पंचायतें जो जिला पंचायत राज अधिकारी के माध्यम से चिन्हित हुए थे उनका चयन करके उनके खाते में 4 लाख रुपये यानी कि 5 लाख तक का जो परियोजना लागत है उसका 80% 4 लाख रुपया उनके खाते में दिया जा चुका है। शेष 1 लाख उन्हें ग्राम समिति के खाते से खर्च करके कुल 5 लाख रुपये के यंत्र फसल प्रबंधन से संबंधित खरीदने हैं, और वो उस यंत्र को उस ग्राम पंचायत और निकटवर्ती क्षेत्र में जो प्रचलित किराया है उसके आधार पर किसानों को उपलब्ध कराएंगे।
ताकि किसान भी जो महंगे यंत्र हैं जो किसान नहीं खरीद सकते हैं इन ग्राम पंचायतों के माध्यम से उन यंत्रों को लेकर अपने हित में ही पराली का प्रबंधन कर सके और पराली जलाने की नौबत ना आने पाए। इसी तरह का व्यवस्था फार्म मशीनरी बैंक के लिए भी की गई है। पिछले सालों में भी जो फार्म मशीनरी बैंक स्थापित किए गए हैं और इस साल भी जो फार्म मशीनरी बैंक FPO के माध्यम से स्थापित किए जा रहे हैं उन सभी के लिए ये व्यवस्था है कि वो अपने FPO से जुड़े किसानों को और साथ साथ अन्य निकटवर्ती किसानों को भी इन यंत्रों को उस क्षेत्र में जो प्रचलित किराया है उस पर वो यंत्र उपलब्ध कराएंगे ताकि सभी किसान अपनी आवश्यकता के अनुसार उन यंत्रों को किराए पर प्राप्त करके फसल अवशेष का अपने खेत में ही प्रबंधन कर पाए और उसको जलाने की नौबत ना आए। जैसे कि फसल अवशेष न जलाए और फसल अवशेष जलाने का मुख्य उद्देश्य किसानों का इस समय ये होता है कि जो धान की फसल हमारी तैयार होती है सितंबर के आखिर में या अक्टूबर के मध्य तक तैयार होती है और अक्टूबर के अंत में या नवंबर के शुरू में गेहूँ की फसल की बुआई का समय शुरू हो जाता है। तो धान की फसल कटने और गेहूँ की फसल बोने के बीच में कम समय होने के कारण किसान भाई एक शवर पर रखाते हैं कि उनको जलाकर जल्दी से जोत दिया जाए कि हमारा पके हो जाए ताकि हम रबी फसलों की बुआई कर सकें। लेकिन अब ऐसे प्रचलित तरीके आ गए हैं अच्छे और प्रभावी तरीके आ गए हैं जिससे हम इनको जलाने के स्थान पर जो यंत्र अभी हमने बताया उनके माध्यम से अगर छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर खेत में जोत दें साथ में यूरिया 20 से 25 किलो पर हेक्टेयर की दर से छिड़काव कर दें या एक वेस्ट डिकम्पोजर जो इसको के माध्यम से उपलब्ध हम कराते हैं 20 रुपए की एक डिब्बी आती है उसका अगर हम घोल बनाकर अपने खेत में छिड़क दें तो वही जो फसल अवशेष है जिसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर खेत में फैलाते हैं वो 15 से 20 दिन के अंदर आसानी से सड़ जाता है और सड़ने के बाद वो जैविक खाद में बदल जाता है। अगर हम ऐसा करते हैं तो जो रासायनिक उर्वरक हम अभी फसल यानी गेहूँ की फसल में करते हैं उसमें हम 25-30% की बचत भी कर लेते हैं। क्या मुख्य बिंदु पे चर्चा हुई इसमें? जो भी फसलों के अवशेष हैं खरीफ की फसल का ये कटाई का ये प्रारंभ है और कोरोना के नाते हम सब ज़्यादा प्रभावित रहे हैं इसमें पराली को बचा कर हम क्या करें इसी पर विशेष ये ध्यान दिया गया है। तो पराली को न जलाएं इससे हम पहले तो इसका खेत में ही प्रयोग करें। जगह जगह गौशालाएं हैं उसको अवशेष को वहां भी भेज सकते हैं उनको जानकारी हो जाएगी गौशाला प्रबंधकों को तो उसको उठा ले जाएंगे सरकार इसकी व्यवस्था करेगी और नहीं तो उसमें जला गए तो मिट्टी की उर्वरा शक्ति बढ़ेगी इसी पर है इससे वातावरण जो है दूषित नहीं होगा हम स्वस्थ रहेंगे हमारी आंतरिक क्षमता ठीक रहेगी इसी पर प्रकाश डाला गया।